सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा चैनल है। एक महीने पहले इस चैनल का हाल ये हो चुका था कि यहाँ पर दोस्तों मैं कितनी भी अच्छी वीडियो डाल दूँ, कितनी भी अच्छे तरीके से एडिट करूँ, कितना भी अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से एसईओ भी करूँ ना, फिर भी मेरी वीडियो पर 1000 व्यूज एक दिन के अंदर नहीं आ रहे थे। पर दोस्तों मैंने कुछ तरीकों का यूज किया, पर दोस्तों अब के टाइम पे आप लोग मेरे चैनल पे व्यूज देख सकते हैं। अभी के टाइम पे व्यूज डाउन भी है तब भी मेरे चैनल पे अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, और आप लोग भी देखते होंगे कि अभी के टाइम पे आप लोग का बिल्कुल भी व्यूज नहीं आता होगा। आप लोग चाहे कितने भी अच्छे तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लगा ले फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। इसका दोस्तों मेन कारण क्या है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो दोस्तों पूरी तरीके से डेड हो चुका है। अब आप लोग का चैनल डेड हो गया है, इस कंडीशन में आपको क्या क्या तरीके लगाने कि आपके चैनल पे पहले जैसे व्यूज आने लगे, जितने व्यूज आपके पहले आते थे उतने ही व्यूज आपके फिर से आने लगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका पता चलने वाला है कि आखिर जब आपका चैनल डेड हो जाता है तो उसका रीजन क्या होता है और उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। जो तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाली उसको इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है, ठीक है। अब दोस्तों मेरे चैनल पे 1000 व्यूज आना भी पहले के टाइम पे मुश्किल था, आज से एक महीने पहले। और दोस्तों आज के टाइम पे मैं कैसा भी कंटेंट डालूं फिर भी मेरे वीडियो पे 1000 व्यूज आराम से क्रॉस हो जाता है और ज्यादा तक आ जाते हैं, ठीक है। और मेरी बीच में काफी वीडियोस वायरल भी हुई है, आप लोगों को अच्छे से पता भी है। उनका रीजन क्या है, आखिर मैंने कौन से तरीकों का यूज किया अपनी वीडियो के अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के विनर है, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप लोग जाके इनको पूरा सपोर्ट करें। अगर आप लोग भी विनर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके पूरा देखना है, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, नहीं तो आप लोग विनर नहीं बनेंगे अगर कमेंट नहीं करते। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका चैनल डेड हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरा ये चैनल है, ठीक है। आप लोग इस चैनल को भली भांति जानते होंगे। यहाँ पर अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 15,686 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका चैनल डेड हो जाता है तो आपको पता यहीं से चल जाता है कि आपका चैनल डेड हो चुका है। यहाँ पर जो आपके व्यूज होंगे उनका भी एरो होगा बिल्कुल डाउन चला जाता है। और दोस्तों जब आपका चैनल अच्छा चलता होता है आपको भी पता है कि आपके जो सारे एरो होते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं। इससे क्या होता है, हमें देखकर खुशी मिलती है कि भाई हमारा चैनल है वो बढ़िया चल रहा है जिससे हमारे एरो है वो ग्रीन है। और दोस्तों जब हमारा चैनल डेड होने लगता है तो यहाँ पर जो आपके सारे जो एरो होते हैं वो सारे ग्रे हो जाते हैं। अब जो एरो है वो ग्रे हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आपका चैनल डेड हो चुका है। अब देखो यहाँ पर वॉच टाइम का भी एरो है बिल्कुल डाउन हो चुका है, सब्सक्राइबर्स का जो एरो है बिल्कुल डाउन हो चुका है, अर्निंग का भाई यहाँ पे एरो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर आप अपने डेड चैनल को कैसे ग्रो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अगर इसके कंटेंट वाले सेक्शन पे लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, इस पर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद यहाँ पर जो व्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक दिन के अंदर 121 व्यूज, ठीक है। और दोस्तों इस पर जो पहले का व्यूज था वो बहुत ज्यादा डाउन था, ठीक है, यहाँ पर 100 व्यूज भी नहीं आ रहे थे। और दोस्तों अब जब से यहाँ पर मैंने रेगुलर काम किया और मैंने कुछ तरीकों का यूज किया तब से दोस्तों मेरी वीडियोस बीच बीच में रैंक करने लगी। अब देखो यहाँ पर जो इसका प्रूफ है वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर 3 दिन पहले वीडियो डाली, इस पर कितना व्यूज आया, 2600। उसके नीचे हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैं और दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमने एक वीडियो और डाली यहाँ पर 6 दिन पहले, यहाँ पर देखो 1900 व्यूज आया। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे कुछ ट्रिक को यूज कर लेते हैं तो आपका जो चैनल होता है फिर से आपका पहले जैसा हो जाता है, आपके चैनल पे फिर से इंप्रेशन जाने लगता है। अब देखो चैनल डेड होने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि आप अपने चैनल पे कितनी भी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, कितना भी अच्छा थंबनेल लगाकर फिर भी आपकी वीडियो का इंप्रेशन नहीं भेज रहा है YouTube। और इंप्रेशन ना भेजने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं हो रही है, और अगर आपका इंप्रेशन नहीं जाएगा तो आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस वैसे भी अच्छी नहीं होगी। आप देखो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो रिसेंट की मैं आपको एक यहाँ पर वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो एक दिन पहले की है, ठीक है। अगर हम इस वीडियो पे बात करें तो यहाँ पर इसके व्यूज देखिए कितना आया है, इस पर 154 व्यूज आया है, ठीक है। और इसका जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो कितना है, 3.9%। और यहाँ पे जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया है वो कितना आया है, 1 मिनट 12 सेकंड का। मतलब क्या है, यहाँ पर इस पर क्लिक थ्रू रेट कैसे आएगा जब वीडियो का इंप्रेशन ही नहीं जा रहा है तो क्लिक थ्रू रेट कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इस वीडियो का टोटल व्यूज दिखाती हूँ, यहाँ पे 154 व्यूज है। और अगर इसके रीच वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो इसका टोटल इंप्रेशन मतलब लोग कितने लोगों के पास ये वीडियो गई है तो यहाँ पर देख सकते हो
3600 लोगों के पास सिर्फ यूट्यूब ने इसका इंप्रेशन भेजा है। अब 3600 में से कितने लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं वो आपको पता है कि 3600 में से 100 लोगों ने ही इस वीडियो को देखा है। अब आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं ये होता है डिफरेंस आपके इंप्रेशन ना भेजने का। अब देखो एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, जिस वीडियो पे यहाँ पे व्यूज आया यहाँ पर देखो ये वीडियो हमने जब अपलोड की तो यहाँ पर देखो आपको इसका जो व्यूज है वो 2600 है और इसका जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है वो 10.4% का है और यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन कितना है लगभग 2 मिनट का है। मतलब इसका जो इंप्रेशन है वो यूट्यूब ने ज्यादा लोगों के पास भेजा और लोगों ने इसमें क्लिक किया, ठीक है यहाँ पर देखो तभी इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो हाई है। अब देखो मैं इसकी वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखो इसके रीच वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर देखो इसका इंप्रेशन यूट्यूब ने कितना भेजा है 23,800, लगभग 24,000 इसका इंप्रेशन भेजा है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने चैनल पे इंप्रेशन को बढ़ाना है। अगर आपके चैनल पे इंप्रेशन जाने लगेगा तो आपके चैनल पे ऑटोमेटिक जो व्यूज है वो आने लगेगी। अब आपको इंप्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना है, मान लीजिए आप काफी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और दोस्तों आप लोग कितना भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं पर आपकी वीडियो का इंप्रेशन जा ही नहीं रहा है, तो आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि जो आपका यूट्यूब चैनल होता है वो कभी भी डेड होता नहीं है, और डेड होता है तो आपकी कुछ गलतियों की वजह से होता है। वो गलतियां क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग अपने YouTube चैनल पर रेगुलर तरीके से काम नहीं करते हैं, अगर आप अपने चैनल पे गैप करते हैं, बीच बीच में आप जब मन आया तब आपने वीडियो डाली, जब मन आया वीडियो नहीं डाली, तो इस वजह से क्या होता है आपके चैनल का इंप्रेशन YouTube क्या करता है भेजना बंद कर देता है। और अगर आपके चैनल पे चाहे 50 व्यूज आ रहा है चाहे 100 व्यूज आ रहा है, आप अगर रेगुलर तरीके से अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, एक वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है YouTube आपके चैनल का जो इंप्रेशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा भेजने लगता है। और वहीं पे अगर आप गैप कर लेते हैं तो आपका जो इंप्रेशन पहले भेज भी रहा था ना YouTube वो भी भेजना बंद कर देता है। ये मेन कारण होता है कि आपका चैनल डेड होने लगता है। तो आप लोगों को अब मैं बताती हूँ कि आखिर आपका चैनल अगर डेड हो गया है तो आपको इस कंडीशन में अपने चैनल का जो इंप्रेशन है वो ज्यादा लोगों तक कैसे भेजना है, कैसे आपका इंप्रेशन ज्यादा लोगों के पास जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपना यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका चैनल ओपन हो जाएगा तो आपको क्या ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक आपको यहीं से लगानी है जो मैंने खुद अपने चैनल पे लगाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, ठीक है। ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस सेटिंग के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्या करना है क्लिक कर देना। जब आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पर आपको यहाँ पर क्लिक किस ऑप्शन पे करना है, चैनल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो सिंपली आपको करना है इस चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेनी है। मान लीजिए आप वीडियो डालते जा रहे हैं पर आपके वीडियो की कोई कैटेगरी डिसाइड ही नहीं है, तो आपका इंप्रेशन यूट्यूब किस लोगों के पास भेजेगा, आखिर कौन से लोग उन वीडियोस में इंटरेस्ट लेंगे, ये यूट्यूब को पता होना चाहिए, तभी आपके वीडियो का इंप्रेशन होगा, ज्यादा लोगों के पास जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस चैनल का जो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो कंट्री है, सबसे पहले आपको अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप कंट्री तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो मेन चीज है वो आपको क्या सेलेक्ट करनी है वो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड्स का, ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके चैनल को रैंक कराते हैं, साथ ही साथ आपके वीडियोस को रैंक कराने में इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस कीवर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब जो टॉपिक आप अपने चैनल पे डाल रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे वीडियो डालने वाले हैं, उस टॉपिक को आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है और आपकी कैटेगरी के जितने ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप जब अपनी वीडियो को डालेंगे और बड़े यूट्यूबर्स भी उस टॉपिक पे जब वीडियो डालेंगे तो उनकी वीडियोस के नीचे आपकी वीडियो भी सजेस्ट होगी। इससे क्या होगा, आपका जो इंप्रेशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाने लगता है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हमारी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर जो लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे मनोज दे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मनोज दे, उसके बाद यहाँ पर ये लगा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं जुन्नू की टैग, यहाँ पे लगा देते हैं जुन्नू की टैग, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे स्प्रेडिंग ज्ञान, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से आपकी कैटेगरी के जितने ही बड़े यूट्यूबर हैं उनका आपको नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इतना आपको काम करना है कि उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं, मान लीजिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, तो इतना लिखा, इसके बाद हमने इसको डाल दिया। इसी तरीके से अगर आप डालते हैं
तो आपके चैनल का जो इंप्रेशन होता है वो ज्यादा लोगों के पास जाता है, साथ ही साथ आपका जो कॉन्टेंट होता है वो भी रैंक करने लगता है। तो आप लोग, मैं आपको बता दूं कि ये चीज है, ये बड़े बड़े यूट्यूबर सभी लोग अपने चैनल पे करके रखते हैं। मैं नहीं, मनोज दे, स्प्रेडिंग ज्ञान, जुन्नू की टेक, बहुत सारे लोग अपने चैनल पे इसी तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं वो लगा के रखते हैं। और जब किसी का एक नया चैनल होता है उसको ये काम जरूर करना चाहिए। उसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग का, सिंपली आपको इस एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड डिफॉल्ट्स का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइड में एडवांस सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपको जो यहाँ पे कैटेगरी होती है आपकी, यहाँ से मान लीजिए एजुकेशन कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करके रखी है और मैं वीडियो डालती हूँ टेक कैटेगरी की, तो मेरी जो वीडियो का इंप्रेशन है वो एजुकेशन कैटेगरी वालों के पास जाएगा। और यहाँ पर मुझे चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ऑडियंस, तो यहाँ पर मेरा जो इंप्रेशन है वो सही ऑडियंस के पास नहीं पहुंचेगा, तो मेरी वीडियोस पे व्यूज कहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना और आपकी जो कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आपके चैनल की जो वीडियोस है वो सही ऑडियंस के पास पहुंच सके। तो आप लोगों को यही चीजें करके यहाँ से सिंपली सेव कर देना। सेव करने के बाद आपकी जो वीडियोस का इंप्रेशन है वो आसानी से यहाँ से जाने लगेगा। तो आप लोगों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर आपको करना क्या है, किस तरीके से आपका जो डैड चैनल होता है वो ग्रो होता है। और दोस्तों जब आपका चैनल डैड होता है उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि आप लोग रेगुलर तरीके से यूट्यूब पे काम नहीं करते हैं। आप लोगों को कुछ भी हो जाए आपको एक वीडियो अपने चैनल पर रेगुलर डालनी है तो डालनी है, आप उसको अपनी ड्यूटी समझ के काम कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।